शिक्षा विभाग में तैनात अनुदेशक, शिक्षा मित्र आदि संविदा कर्मियों का उद्धारक कौन सा थी? पूरा समाचार विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है। शाम तक आज सरकार वार्ता करेगी इन सभी लोगों से। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मीटिंग गठित हो चुकी थी, उसकी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन क्या समस्या आ रही है सरकार को इनकी बातों को पूरा करने के लिए, इनकी मांगों को पूरा करने के लिए, अभी ये समझ में नहीं आया। आज शाम तक ये बात क्लियर होगी कि सरकार की मंशा क्या है साथियों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिव कुमार मिश्रा जी को वरिष्ठ संवाददाता हैं हमारे, और वो लगातार प्रतिदिन स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से अनुदेशक वीपीएड धारक एवं शिक्षकों, अन्य शिक्षक जो संविदा शिक्षक हैं उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की, जो वरिष्ठ हो गए हैं उनको, एक्सपर्ट्स को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक नहीं जुड़ पा रहे हैं, नाम मात्र के दर्शक श्रोता उनसे जुड़ रहे हैं। मेरा अपील है आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शाम 8 से 9 बजे के बीच डिबेट में हिस्सा लेने की कृपा करें। आप खुद के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए समय निकालिए। और मैं लगातार अपने चैनल से आपको अपील कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपने कमेंट कीजिए, क्योंकि जितनी संख्या भारी होगी आपकी, उतनी जल्दी सरकार आपका जो मांग पत्र है या जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरा करने का प्रयास करेगी। जब तक आप संख्या वाले नहीं दिखाएंगे, सक्रियता नहीं दिखाएंगे, तब तक जैसा अब तक चलता रहा वैसा ही चलता रहेगा। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप खुद जागरूक बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। मेरा यही अनुरोध है आप सभी सबकी, अनुदेशक भाई बहन सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण के लिए अपनी बात को रखें, अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार से प्रयास करें, डिबेट में शामिल हों, और जब भी बात हो हमारे हक अधिकार की तो एक साथ एक सुर में खड़े हो जाएं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए साथियों। तो 17,000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं, ये हमारा एक नारा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 9 वर्ष अथक प्रयास तन मन धन से लगा कर दिए हैं। इसका फल सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण से मिलेगा, और तभी हमको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। सरकार के लिए भी कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं और विशेष शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी पेज, कोई भी समस्या नहीं होगी हम लोगों को नियमितीकरण करने में। लेकिन सरकार से बस यही निवेदन है हाथ जोड़कर कि वो हमारे लोगों को नियमित करने का काम करे। साथियों, यहाँ पर एक बार फिर पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शाम की डिबेट में आप प्रतिदिन ज़रूर शामिल हों और कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त मित्र सभी को शेयर करें। इस चैनल पर जो डिबेट चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, पूरे प्रदेश में हर शिक्षा विभाग के व्यक्ति के घर, हर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हर शख्स के पास ये मैसेज पहुँचे कि हमारे साथ क्या दुश्वारियाँ हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है। साथियों, अन्य यहाँ पर न्यूज़ हैं, डिजिटल स्मार्ट होंगे माध्यमिक के जो स्कूल हैं 6 से 8, 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों भरने का समय, लंबित अभ्यर्थी को चुनाव पहले पूरा करने का 67वें दिन जारी रहा रोजगार आंदोलन। यहाँ पर ये खबर आ रही है प्रयागराज से, प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को भरने, सभी लंबित भर्तियों को चुनाव के पहले पूरा करने वाले हर युवा को गरिमापूर्वक रोजगार की गारंटी जैसे मुद्दों पर पत्थर गिरजाघर पर युवा मंच का रोजगार आंदोलन शनिवार को भी 67वें दिन जारी रहा। यहाँ पर एक और खबर आ रही है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि